हेलो दोस्तों, स्वागत है और फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग जो है आप अपने पैन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, बात आती है कि पैन कार्ड का स्टेटस जो होता है वो एक्नॉलेजमेंट नंबर के जरिए ही चेक किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कैसे आप लोग जो है आप अपने एक्नॉलेजमेंट नंबर का पता कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बात आती है कि आप लोग अपने एक्नॉलेजमेंट नंबर का पता कैसे कर सकते हो। तो दो तरीके से आप लोग आप अपने एक्नॉलेजमेंट नंबर का पता कर सकते हो। सबसे पहला तरीका कि आप जब आप अपने ऑपरेटर के पास गए थे, किसी भी ऑपरेटर के पास या सीएससी सेंटर लगा लो, तो उसने आपको एक स्लिप दी होगी जिसके अंदर आप लोग देखोगे कि लेफ्ट या राइट साइड के कॉर्नर में आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर वहां पे दिखा मिल जाएगा। 14 से 15 अंकों का एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है। और बात करते हैं दूसरे स्टेप की कि दूसरे तरीके से किस तरह आप लोग जो है आप अपने एक्नॉलेजमेंट नंबर का पता कर सकते हो। तो दूसरा तरीका यहाँ पे है, यहाँ पे दूसरा तरीका दोस्तों, जब आपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया होगा तो आपके पास एक SMS आया होगा। तो चलिए आपको मैं SMS दिखा देता हूँ किस टाइप से आपका SMS आपके पास आएगा। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको SMS आया होगा। तो अब इसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर आप लोग देख सकते हो, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है यही जो होता है आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर। तो आपके पास मैं बता दूं कि ओरिजिनल वेबसाइट जहां से पैन कार्ड बनते हैं वो NSDL के तहत ही बनाए जाते हैं। तो आप लोग भी NSDL के तहत ही आप अपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई कीजिए। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे आप लोग जो है अब आप अपने पैन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हो। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप लोग उसका पता कर सकते हो। तो चलिए आगे देखिए, स्टेटस को चेक करने के लिए आपको सबसे पहले आपके क्रोम ब्राउजर के अंदर चले जाना है। सबसे बेस्ट ब्राउजर है, टाइम भी वेस्ट कम होता है इसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे सर्च करना है ट्रैक। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है ट्रैक पैन कार्ड। बस इतना करने बाद यहाँ पे आपको सर्च कर देना है। तो सर्च करने बाद यहाँ पे आपको जो फर्स्ट में आपको जो साइट दिख रही है इसी वाली साइट के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। तो इसके ऊपर क्लिक करने बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक्नॉलेजमेंट नंबर। तो इसी के द्वारा जो हो दोस्तों आप लोग आप अपने पैन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग वो 15 अंकों का यहाँ पे डिजिट डाल दीजिए, 14 से 15 अंकों का होता है ये। और यहाँ पे ऊपर की तरफ सिलेक्ट में जाइए और यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए पैन न्यू चेंज रिक्वेस्ट। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे कैप्चा वेरिफिकेशन ये डाल देना है। जैसे जो लेटर बड़े हैं वो बड़े टाइप कीजिए, जो छोटे हैं वो छोटे टाइप कीजिए। एंड सिंपली यहाँ पे डालने के बाद आपको सबमिट कर देना। तो यहाँ से आप लोग जो है आप अपने पैन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसे लगी लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग शर्मा क्रिएशन यूट्यूब चैनल पर नए हो और ऐसी वीडियो देखने में इंटरेस्ट रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू गाइज़।